हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में, जिसमें बात करने वाले हैं कोस्ट गार्ड 1 2023 बैच के लिए नाविक डीबी जीडी यांत्रिक के लिए फुल मॉक टेस्ट नंबर 12 और इंग्लिश का यह मॉक टेस्ट होने वाला है। जैसे कि आपको पता है पर डे 6 बजे से स्टार्ट हो जाता है और आपका जो 4 बजे से चलता है साइंस का। बहुत सारे बच्चों ने देखा, बहुत सारे बच्चे अभी नहीं देखे तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। उसमें भी 12 मॉक टेस्ट ऑलरेडी करा रखा है, प्ले लिस्ट का बना हुआ है। उस 4 बजे डेली शाम को, ये 6 बजे शाम को डेली इंग्लिश का है। कोस्ट गार्ड पेपर लीक करने वाले हैं, 35 पेपर आप जब दे दीजिएगा तो आपको लगेगा कि सच में आपको बहुत ज़्यादा क्लियर यहाँ से कुछ हो जाएगा। एग्ज़ाम में बैठिएगा तो लगेगा कि सारा पेपर वहीं से आ रहा है। कोस्ट ये पेपर नंबर होने वाला है 12 और आपने चाहे जीडी का फॉर्म भरा, डीवी का भरा, यांत्रिक का फॉर्म भरा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंग्लिश के 15 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में सेक्शन 1 के लिए। ओके, तो अभ्यास पेपर से भारतीय तट रक्षक बल। और चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। एंड सच में सपना है कोस्ट गार्ड में ही जाना है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी अपडेट आए सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो एंड इसका PDF लेने के लिए टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। कोई भी डाउट हो कोस्ट गार्ड के रिगार्डिंग, क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आस्क कर लीजिएगा, 100% आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये होने वाला है मॉक टेस्ट नंबर 12। देख सकते हैं 60 क्वेश्चन होते हैं, 60 नंबर के, सेक्शन 1 का है, 45 मिनट टाइम रहता है। अभी हम डिस्कस करेंगे 15 क्वेश्चन किस चीज़ के, इंग्लिश के, जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है 1 से 3 तक चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल इन इच ब्लैंक्स। ओके, टू फिल इन इच ब्लैंक्स। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं ही रश्ड डैश डैश द रूम। ओके, ही रश्ड डैश डैश द रूम। ऑप्शन ए में दिया गया है इन, बी है इनटू, सी है टू, डी है 4। तो विच इज़ द करेक्ट आंसर, विच इज करेक्ट प्रीपोजिशन ऑफ, तो बताना है। देखिए ए बी एंड सी डी कौन सा राइट आंसर होगा, देखिए सबसे पहले कौन बताता है। तो मैं आपको बता दूँ, ही रश्ड डैश डैश द रूम तो क्या होता है, ही रश्ड इनटू द रूम होता है, ही रश्ड इनटू द रूम होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है ही इज इग्नोरेंट। इग्नोरेंट के साथ ये प्रीपोजिशन मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है कि फिक्स प्रीपोजिशन क्या लगता है। इसके साथ इग्नोरेंट के साथ फिक्स प्रीपोजिशन क्या लगता है ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है, डैश डैश व्हाट ही प्रिटेंड टू नो। और जाके आप लोग यूट्यूब पर भी पढ़ा है, जाके जरूर देख लीजिएगा। ऑप्शन ए है टू, बी है फ्रॉम, सी है ऑफ और डी है इन। क्योंकि एक क्वेश्चन आपके फिक्स प्रीपोजिशन के मिलेंगे, एक आर्टिकल के मिलेंगे, ये 2 क्वेश्चन फिक्स है, एक सिनोनिम्स, एक एंटोनिम्स, एक वन वर्ड, एक आइटम्स फ्रेज एंड एक क्वेश्चन आपके किस चीज़ के क्या बोलते हैं वॉइस बोलते हैं एंड एक क्वेश्चन नरेशन। ये सारे क्वेश्चन जो है फिक्स है, जो आना ही आना है, कभी कभी 2-3 भी आ जाते हैं, एक एक तो कंपलसरी ही है। तो मैं बता दूं इग्नोरेंट के साथ जो आपका फिक्स प्रीपोजिशन लगता है वो लगता है ऑफ, जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस। चलिए मैंने ऑप्शन ही बता दिया कि हार्डवर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस, ये होगा क्या, की ऑफ सक्सेस होगा क्या। चलिए इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए में दिया है 2, B है 4 और सी है ऑफ और डी है बाई। इसका राइट आंसर क्या होगा, ओके, 2 होगा 4 होगा ऑफ होगा बाई होगा। इसका आंसर आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर होगा, HW ये आपको दे रहा हूँ मैं और देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है, की ऑफ होगा या की 2 होगा। ये ऑप्शन ए डी गलत कर देते हैं, बी गलत करते हैं, 2 होगा कि ऑफ होगा ये आपको बताना है। ओके, चलिए 2 में चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। एंड क्वेश्चन 4 में दिया गया है चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक सो डैट द सेंटेंस बिकम मोस्ट मीनिंगफुल। ओके, तो यहाँ से आपको बताना है 4 और 5 नंबर क्वेश्चन में बताना है, चूज द करेक्ट वर्ड चूज करना है जिससे ये सेंटेंस मीनिंगफुल हो जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है इन द डेजर्ट वी कैन नॉट वॉक डैश डैश फीट। ओके, इन द डेजर्ट वी कैन नॉट वॉक डैश डैश फीट। ऑप्शन ए में दिया गया है बियर बियर बेयर बियरिंग। चलिए राइट आंसर क्या होगा, कैन नॉट के साथ वॉक है, वी कैन नॉट वॉक इन द डेजर्ट, वी कैन नॉट वॉक, बियर 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 बेयर बियरिंग। चलिए राइट आंसर क्या होगा, 4 का क्या होगा सबसे पहले देखते हैं कौन बताता है, इन द डेजर्ट वी कैन नॉट वॉक, वॉक क्या होगा, डी होगा या सी होगा, चलिए बताइए। तो मैं बता दूँ आपको बेयर होगा, जो कि राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन 5 पे। क्वेश्चन 5 में दिया गया है, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, द पैट्रियट ऑलवेज डैश डैश फॉर द कंट्री।
अब बताना है कि क्या लगेगा। मैंने आपको ये डाई से रिलेटेड मैंने 5 से 6 प्रिपर आपको पढ़ाए थे कि इसके साथ फिक्स प्रिपरेशन क्या लगता है, जो बीमारी रहेगा, भूख से मरने के लिए क्या रहेगा, और यहाँ पे देख सकते हैं क्या चीज़ के लिए है। ओके, देश के लिए, यहाँ पे देश के लिए है तो क्या होगा वहाँ पर आपको बताना। ऑप्शन ए में दिया है डाइड, डाई, डाई, आर डाई। चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूँ जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑलवेज ऑलवेज द पेट्रोइट ऑलवेज क्या होता है, जो ऑलवेज डाई तो होगा, ये फिक्स है कि डाइड होगा, डाई होगा, डाई क्या होगा, आर डाई होगा। तो भाई मैं बता दूँ डाई आपका फिक्स हो जाएगा, डाई फॉर देयर कंट्री। तो इससे आपको ध्यान रखना है, देश के मरने के लिए जब भी आएगा तो डाई फॉर कंट्री आता है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। जब डिजीज़ का आता है तो क्या लगता है बताइए बताइए। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है एंटोनेम, और दिया है ब्रूटल, एंटोनेम्स बताना है गिवन वर्ड का। ओके, तो चलिए क्रूएल, काइंड, विशियस एंड जेंटल। चलिए ये सारे ही वर्ड अफसान वसान दिए गए हैं, तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, क्रूएल आप समझते हैं निर्दयी टाइप होता है, बी आपका समझते हैं काइंड दयालु, विशेष पापी टाइप, जेंटल मतलब समझते हैं ये नेक अंधवी, और ब्रूचल का मतलब क्या आता है बता ही देंगे, तो सब तो आप आंसर ही बता दीजिएगा ना फिर। तो चलिए मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ, इसका एंटोनिम बताना है, मैं फिर से रिकॉल कर दूँ, और 6 का राइट आंसर हो जाएगा, एंटोनिम क्या हो जाएगा काइंड हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी आपका आंसर करेक्ट रहेगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे, इसमें बताना है रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। ओके, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना है, आपको ध्यान देना है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलिए अम्ब्रेला, अटेंडेंस, लगेज, बिगनिंग, तो कौन सा होगा देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। अम्ब्रेला का स्पेलिंग देखिए, लगेज को देखिए, बिगनिंग का स्पेलिंग देखिए, और अटेंडेंस का स्पेलिंग देखिए। तो क्या होगा अटेंडेंस, अम्ब्रेला, भाई साहब अम्ब्रेला तो ठीक है, लगेज भी ठीक है, बिगनिंग और अटेंडेंस बचा है, तो मैं बता दूँ बिगनिंग भी ठीक है, अटेंडेंस आपका जो है रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड है, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन 8 में दिया गया है आपका चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइटम, टू फेस द म्यूजिक मीन्स, ऑलरेडी करा रखा है मैंने, टू फेस द म्यूजिक मीन्स, ऑप्शन ए में दिया है, सॉरी ऑप्शन ए में दिया है टू फेस हारमोनियम, म्यूजिक मीन्स मतलब आपको बताना है हारमोनियम, ए मेलोडियस सॉन्ग, हार्डशिप, या फिर ऑल दिस। चलिए देखते हैं कौन से लोग बताते हैं, मतलब कि कौन हम इसका राइट आंसर देता है। बहुत सारे पूछेंगे फेस हारमोनियम, मेलोडियस सॉन्ग, हार्डशिप, ऑल दिस, या फिर ऑल दिस भी बहुत सारे होंगे, तो ऑल दिस ना टिक करिएगा भाई साहब। ओके, चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। तो मैं बता दूँ हारमोनियम और मेलोडियस सॉन्ग नहीं होगा आपका, आपका जो आंसर हो जाएगा फेस द म्यूजिक का मतलब हार्डशिप हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलेंगे 9 पे, एंड क्वेश्चन नंबर 9 में दिया एडवर्ब ऑफ द गिवन वर्ड, ऑनर का आपको बताना है गिवन एडवर्ब कौन सा होगा, ऑनरेबल, ऑनर्ड, ऑनर, या फिर ऑनरेबली। चलिए ऑनर का एडवर्ब राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर है 9, और 9 का राइट आंसर देखते हैं कौन बताता है। ऑनर, ऑनर का एडवर्ब आपको बताना है, तो मैं आपको बता दूँ इसका जो आंसर हो जाएगा एडवर्ब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी आंसर राइट करेक्ट हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे, और 10 में दे रखा है चेंज द वॉइस। अगर आप पूरा क्लास देख रहे हैं तो गारंटी लेता हूँ कि आपको एक्स्ट्रा में वॉइस और नेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। द पीपल इलेक्टेड हिम मेयर। ओके, तो ऑप्शन ए में दिया हिम वॉज इलेक्टेड मेयर द पीपल, ही वॉज इलेक्टेड मेयर बाय द पीपल, बी में दिया है मेयर इज इलेक्टेड बाय द पीपल, सी डी में दिया है ही इज इलेक्टेड बाय द पीपल मेयर। चलिए ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने करा रखा है, देखते हैं राइट आंसर कौन देता है क्वेश्चन नंबर 10 का, 10 में विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो चलिए मैं बता दूँ आपका, यहाँ से बहुत सारे बच्चे मेयर को भी उठाएंगे, तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, यहाँ पे हिम तो उठेगा नहीं, तो ये गलत है। हाँ, बी, सी और डी में आंसर कौन सा करेक्ट होगा बताइए। यहाँ पे इलेक्टेड है तो यहाँ पे हिम उठेगा, और हिम उठेगा तो ये ही बनेगा, तो मतलब कि ये भी गलत है। तो ही इज नहीं होके वाज होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्टेड है, भव थ्री है, तो वाज इलेक्टेड मेयर बाय द पीपल, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे, 11-12 में आपको बताना है अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव। ओके, अप्रोप्रिएट मतलब सारे टॉपिक से लेके मिक्सिंग करके क्वेश्चन चला जा रहा है। ओके, 11 नंबर क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि एडजेक्टिव नहीं आता है, इस टाइप से नहीं पूछता है, पैसेज आपका आता है, मुझे भी पता है 4 क्वेश्चन पैसेज के आपके एग्जाम में दिखेंगे। ओके, तो हिज हाउस इज डैश डैश टू माइन, ऑप्शन ए में दिया है नियरेस्ट,
बी है लास्ट, सी है नेक्स्ट और डी है लेटेस्ट। इससे आपका क्या हो रहा है, कुछ ग्रामर का रूल्स वगैरह भी क्लियर होते चल रहा है, इसलिए ये रखा गया है। ओके, बाकी पैसेज मैं आपको करा दूंगा, बस उतना कर लीजिएगा, पैसेज इजी आता है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर हो जाएगा, हिज हाउस इज क्या हो जाए, नियरेस्ट टू माइन, नहीं भाई साहब लास्ट टू माइन, नहीं लेटेस्ट टू माइन या नेक्स्ट टू माइन, तो मैं बता दूँ आपका नेक्स्ट टू माइन इज करेक्ट आंसर। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे, एंड क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है हु वाज द डैश डैश जनरल अलेक्जेंडर और कैसर, तो आपको बताना है कि विच ऑप्शन इज करेक्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट या फिर नन। तो देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है, और आज थोड़ा मॉक टेस्ट हो गया तेज़ी में है, हु वाज द डैश डैश जनरल, तो चलिए बताता है कौन राइट आंसर देता है, देखते हैं 12 का आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं सबसे पहले। तो मैं आपको बता दूँ हु वाज द ग्रेटर जनरल अलेक्जेंडर और कैशियर, तो यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगा जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कोई बता सकता है क्या ग्रेटर यहाँ पे क्यों हुआ, चलिए देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। एंड चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे, एंड क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट अप्रोप्रिएट कंजक्शन, चलिए कंजक्शन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 13 और 13 में दे रखा है कंजक्शन आपको बताने हैं। तो द स्काई इज डैश डैश क्लाउडी नॉर ब्राइट, चलिए इसका मेरे ख्याल से आपको आंसर बता देना चाहिए कि इसका पेयर एक बनता है, किस चीज़ के साथ पेयर बनता है, तो वो बताना है। ऑप्शन ए में दिया है नाइदर और बी है अनलेस, सी है इधर और डी है थौ। तो चलिए मैं आपको बता दूँ इसका एक दो टाइप का क्वेश्चन होता है, मैं बता दूँ इसमें आंसर होगा नाइदर, आपका जो नाइदर का पेयर बनता है वो नॉर के साथ बनता है, और जब ये आइदर रहता है ई आई टी एच ई आर रहता है, तो आइदर के साथ और का पेयर और नॉट ओनली बट ऑल्सो का पेयर बनता है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे, आइदर और नाइदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये आपको ध्यान में रखना है, मैं जो भी बोल रहा हूँ लिखते चलिए। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल वर्ड्स, आपको बताना है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल वर्ड्स, क्वेश्चन नंबर है 14 और 14 का देखते हैं आंसर कौन देता है। एन एम्प्टी वेसल्स डैश डैश मच, क्या मच, जो इसका जो मीनिंग बताता है अधगर घघरी छलकत जाए, उसको जो बोलते हैं ना हिंदी, ये एक मुहावरा है उस टाइप से, तो बताना है साउंड्स होगा, वेग्स होगा, सेल्स होगा, कॉस्ट होगा। तो मैं आपको बता दूँ अधगर घघरी छलकत जा रहा है तो आवाज़ आ रहा है, तो साउंड इज द करेक्ट आंसर, एम्प्टी वेसल साउंड्स मच, ये आपको ध्यान में रखना है, इस तरीके ये मोहरा टाइप का हो गया है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग रेमेडी, रेमेडी का मतलब आपको बताना है कि क्या होता है। ऑप्शन ए दिया है सब्स्टिट्यूट, बी है हर्ब, सी है मेडिसिन और डी है क्योर, तो राइट आंसर क्या होगा, देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है, और आज का मॉक टेस्ट कुछ ज़्यादा ही जल्दी में हो गया, तो 15 का देखते हैं राइट आंसर कौन देता है। तो मैं बता दूं आपको 15 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या होगा, हो जाएगा रेमेडी का जो सिनोनिम्स होता है क्योर, जो कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये 15 क्वेश्चन जो बहुत तेज़ी में मैंने करा दिया आज, नहीं तो इसमें लगते थे कम से कम 18 मिनट या 20 मिनट, किसी किसी मॉक टेस्ट में 22 मिनट भी लग जाता है। चलिए बढ़िया है कि 15 मिनट से पहले इसको सॉल्व कर लिया गया है, एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरीके आपको एग्जाम में भी सॉल्व करना है, थोड़ा सा पैसेज लगता है तो पैसेज में 2 मिनट और मान लीजिए, तो 15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन 15 मिनट लेना नहीं है, इसको मैं सॉल्व करा था इसलिए टाइम लगा, नहीं तो फटाफट टिक करके निकले। तो इसको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 मिनट में इंग्लिश का पेपर कंप्लीट करना है आपको। चलिए तो उसी तरीके से तेज़ी आप लाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए, सपना है कोस्ट गार्ड में ही जाना है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा, सो वहाँ पे ऐड हो जाए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। एंड एक और चीज़ बता दूँ आपको, कोई भी डाउट हो क्वेश्चन के रिगार्डिंग या फिर कोई भी वैकेंसी के रिगार्डिंग, स्पेशली कोस्ट गार्ड की वैकेंसी के रिगार्डिंग, कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो तो कॉमेंट सेक्शन में आस्क कर लीजिएगा, 100% आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।